नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जिसकी चर्चा चल रही है, जो एक आने वाली नई रिटर्न है जीएसटी R1A। अभी तक तो यह रिटर्न हमारे जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि जीएसटी R1A क्या है, किसको फाइल करना होगा, क्या डिटेल देनी होगी, कब फाइल करना होगा और इसको लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ डाउट्स भी है जो कि आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स देना इसके बारे में। आप लोग क्या सोचते हो, किस तरीके से यह वर्क करेगा, एक्चुअल में जब यह पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएगा, इस पर जब हम काम करेंगे एक्चुअल में तभी पता चलेगा, लेकिन अभी इसमें क्या हो सकता है, किस तरीके से काम करेंगे, आने वाले रिटर्न जो चल रहा है कि नई रिटर्न आ रही जीएसटी R1A, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। क्या जीएसटी R1A एक रेगुलर रिटर्न होगी, जैसे हमारा जीएसटी R1 है, जीएसटी R3 भी है, हम सबको फाइल करना होता है, तो क्या उसी तरीके से जीएसटी R1A भी सभी को फाइल करना होगा? तो ऐसा नहीं है। जीएसटी R1A कोई रेगुलर रिटर्न नहीं है और ये सभी को नहीं फाइल करना होगा। फिर जीएसटी R1 किसे फाइल करना होगा और इसमें क्या डिटेल देनी होगी, कब फाइल करना होगा? दोस्तों, मान लीजिए आप जीएसटी R1 फाइल करते हो, मान लीजिए आपने जून मंथ का जीएसटी R1 फाइल कर देते हो और जीएसटी R1 फाइल करने के बाद जब आप जीएसटी R3 भी फाइल करने जाते हो, आप अपने बुक्स को दोबारा चेक करते हो और आपको पता चलता है कि आपने जीएसटी R1 में गलती कर दी है। कुछ इनवाइस ऐसी हैं जो जीएसटी R1 में आपको रिपोर्ट करना था और आपने जीएसटी R1 में दिखाया ही नहीं, या कुछ इनवाइस ऐसी हैं जो कि आपने जीएसटी R1 में उसका गलत वैल्यू दिखा दिया, गलत अमाउंट दिखा दिया। तो क्या होता था पहले, तो आप जीएसटी R1 फाइल करने के बाद उसी मंथ में उसी जीएसटी R1 में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। आपको उस रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए, उस गलती को ठीक करने के लिए आपको नेक्स्ट मंथ का इंतजार करना होता था। जब आप नेक्स्ट मंथ में अपना अगला जीएसटी R1 फाइल करते थे तो जो इनवाइस आपसे रिपोर्ट करने से रह गई है, आप नेक्स्ट मंथ में उसको रिपोर्ट करते थे, आपको एक मंथ का इंतजार करना होता था। लेकिन जो यह आने वाले रिटर्न जीएसटी R1A है, इसमें यही फैसिलिटी दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है आपके जीएसटी R1 में, तो आप उसी मंथ में ठीक कर सकते हो। जीएसटी R3 भी फाइल करने से पहले उसी मंथ में ठीक कर सकते हो, किसके द्वारा? जीएसटी R1A के द्वारा। जैसे जून मंथ के जीएसटी R1 में आपसे कोई इनवाइस रिपोर्ट करने से रह गई, तो आप जीएसटी R1A में अमेंडमेंट कर सकते हो। जीएसटी R1A में जो आपसे इनवाइस छूट गई है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, या जीएसटी R1 में जो गलती आपसे हो गई थी, इनवाइस अमाउंट आपने गलत लिख दिया था, आप जीएसटी R1A में उसको ठीक कर सकते हो। या अमेंडमेंट का डिटेल दिया गया है आपके जीएसटी R1A में। क्लियर हुआ? सीधा सीधा सा मतलब कि जीएसटी R1A आपका एक अमेंडमेंट का डिटेल है, जो जीएसटी R1 में आपसे गलती होगी जीएसटी R1A के द्वारा आप उसी मंथ में उसको ठीक कर सकते हो, और जो जीएसटी R1 में जीएसटी R1A में जो अमेंडमेंट आप करोगे वह आपकी जीएसटी R3B में उसकी लायबिलिटी पहुंच जाएगी। तो आपका जीएसटी R1 और जीएसटी R3B का डाटा मैच हो जाएगा। आपकी जीएसटी R1 में जो गलती हुई है उसको ठीक करने के लिए आपको अगले मंथ का इंतजार नहीं करना होगा। या तो क्लियर हो गया कि जीएसटी R1A का मतलब क्या हुआ? कुछ खास नहीं है, सिर्फ सिर्फ आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, गलतियों को ठीक कर सकते हो। ओके, जीएसटी R1 को कब फाइल करना होगा, इसकी टाइम लिमिट क्या है? जब आप अपना जीएसटी R1 फाइल कर दोगे और जीएसटी R3B के फाइल करने से पहले आप जीएसटी R1A में अमेंडमेंट कर सकते हो, जीएसटी R1A फाइल कर सकते हो। ओके, अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस चीज को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्या इसमें इस तरीके से वर्किंग होगी। मान लेते हैं दोस्तों, पहले क्या होता है कि जून मंथ का जीएसटी R1
हम कब तक फाइल कर सकते हैं, इसका ड्यू डेट कब तक होता है, हर मंथ नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख को। तो मान लीजिए जून मंथ का जीएसटी R1 हमें फाइल करना है 11 जुलाई तक, 11 तारीख तक, ओके ठीक है। और 14 तारीख को हमारा जीएसटी R2 भी अपडेट हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए जून मंथ का रिटर्न हमने 11 तारीख तक, 11 जुलाई तक फाइल कर दिया, जो 11 तारीख तक फाइल कर दिया वह सारी इनवॉइस आपके जीएसटी R2B में अपडेट हो जाती थी। जो आपका रिसिपिएंट होगा, जो आपका कस्टमर होगा, उसी मंथ में वह ITC क्लेम कर लेता था, क्योंकि उसके जीएसटी R2B में अपडेट हो जाता था। अगर आप 11 तारीख के बाद, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो जीएसटी R1, तो वह जीएसटी R2B में नहीं शो होता था, फिर वह नेक्स्ट मंथ का जो जीएसटी R2B अपडेट होता था उसमें शो होता था, ओके। अब मान लेते हैं कि हमने 11 तारीख तक अपना जीएसटी R1 फाइल कर दिया और 14 तारीख को जीएसटी R2B भी अपडेट हो गया। अब हम मान लेते हैं कि 15 तारीख को अपना जीएसटी R3B फाइल करने बैठते हैं और मुझे गलती का पता चलता है कि एक इनवॉइस हमें जीएसटी R1 में दिखाने से रह गया। फिर 14 तारीख के बाद हम जीएसटी R1A फाइल करते हैं, तो क्या जो जीएसटी R1A 14 तारीख के बाद फाइल करेंगे, क्या वह इनवॉइस हमारे जीएसटी R2B में अपडेट हो जाएगा? अगर इस तरीके से डायरेक्ट जो भी हम जीएसटी R1A में अमेंडमेंट करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं, अगर वह डायरेक्ट जीएसटी R2B में अपडेट हो जाता है फिर तो ठीक है। अगर 14 तारीख को हमारा जीएसटी R2B अपडेट हुआ और 15 तारीख को, यानी कि 14 तारीख के बाद हमने कुछ इनवॉइसेज अपडेट किया जीएसटी R1A में, तो क्या वह जीएसटी R2B में अपडेट होगा? यह चीज देखना होगा किस तरीके से काम करेगा, ओके। अब मान लेते हैं कि इसमें एक चीज और है, आपने अपना जीएसटी R1 11 तारीख को फाइल कर दिया और जो आपका रिसिपियंट है 14 तारीख के बाद जीएसटी R2B अपडेट होने के बाद वह रिकनसाइल करता है, उसको पता चलता है कि आपने कुछ गलती कर रखी है, कुछ गलत इनवॉइस अमाउंट दिखा दिया है या कोई इनवॉइस आपने अपडेट नहीं किया है, वह आपको फोन करके बोल देता है, तब भी आप 14 तारीख के बाद ही अपना जीएसटी R1A फाइल करोगे, तो क्या वह जीएसटी R2B में आएगा? अगर आता है तो ठीक है, इस चीज को हम आगे देखेंगे जब यह रिटर्न आ जाएगी। और इसमें एक पॉइंट और है, मान लेते हैं कि मैं एक रिसिपियंट हूं, हमने किसी से परचेज किया और जो हमारा सप्लायर है उसने जीएसटी R1 अपना फाइल कर दिया और 14 तारीख के बाद जो जीएसटी R2B हमारा अपडेट हुआ, हमने उसके हिसाब से अपना बुक्स रिकनसाइल करके जीएसटी R3B फाइल कर दिया, और मान लेते हैं कि हमारे सप्लायर ने कोई गलती किया था, गलत इनवॉइस चढ़ा दिया था या कोई इनवॉइस छोड़ दिया था, तो मैंने भी उसके हिसाब से अपना बुक्स को एडजस्टमेंट करके अपने 3B फाइल कर लिया और तब उसने बाद में अचानक अपना जीएसटी R1A फाइल कर देता है, तो क्या वह जीएसटी R2B में आ जाएगा? और उस मंथ का जो हमने 3B फाइल कर दिया है, तो हमारे 3B पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या फिर हम उसको नेक्स्ट मंथ के 3B में क्लेम करेंगे? या कुछ टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, एक्चुअल में जब यह रिटर्न काम करना स्टार्ट कर देगा, हम इसमें काम करना शुरू कर देंगे, तब हमें इसके टेक्निकल पॉइंट के बारे में पता चलेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, सही हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं चाहता हूं कि यह आप लोग भी अपना कुछ रिस्पांस देना कि यह किस तरीके से काम करने वाला है, अगर ये काम करेगा तो क्या हमें इसको लेकर कोई दिक्कत भी होगी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, या जो हमारा सप्लायर होगा, रिसिपियंट होगा, ये लोग आपस में बातचीत करके सब कुछ ठीक करेंगे? तो दोस्तों यह कुछ खास रिटर्न है नहीं, क्योंकि यह चर्चा चल रही है कि एक नई रिटर्न आ रही है जीएसटी R1A, ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई नई रिटर्न नहीं है, सिर्फ इसमें आप अमेंडमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो के बारे में बताना कि यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।